Uh, for, as for indian students' request, today i am going to show you the past year questions. and i have taken the physics uh, book of uh, where past questions has given. So, and from here, so, i am showing you the past questions. and uh, please see if you are really willing to see the past questions, previous year questions. there is the questions of physics past year. and randomly i am showing you have a look at once but uh, in physics there is uh, not any changes made by the syllabus but in biology and some about English past year questions was changes this is the physics and now I will show you chemistry questions. Chemistry here is a chemistry questions past year. It's chemistry past year questions. I have taken. I. It is not possible to show you all. I have taken so only one chapters here. and one more i will show you one more is this one first year questions okay. MOE means Ministry of Education, IOE means Institute of Maharajgaz, जो teaching जो teaching hospital है ना यहाँ का नेपाल का कठमांडू का जो एक अच्छा college माना जाता है वो है एम ओई कहने का मतलब और ओ एम करने का मतलब टीचिंग हो गया महाराजगंज का उसी तरह हम आपको शो कर दे रहे हैं बोटनी का कि बोटनी में कौन कौन सा आएगा कैसे कैसा आएगा बोटनी का शो कर दे रहे हैं हम बोटनी का है बीपी कैसा ही कहने का मतलब धारान वाला हो गया बीपी को विशेश्वर प्रसाद कोरियाला वाला धरान का हो गया वीपी के एच का है और आई एम जो एक अच्छा कॉलेज का है वही आई, आई का मतलब आप ही का इंडियन एम्बेसी का है इंडियन एम्बेसी का है। इंडियन आप वीडियो को पॉज कर 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 आप देख सकते हैं क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है और क्या है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कहीं कहीं पर पॉज कर कर इसका कि आपको अच्छा से जो है वो आ जाए में से बीपी कैसा दो हजार चौदह का दो हजार तेरह का है क्वेश्चन सब दो हजार दस का है हो गया आपका पोटनी का आप जूलॉजी का भी दिखा दे रहे हैं उसके बाद आपको दिखा देंगे एक टोटल फूल फूल में कैसा पूछा पूछा जाता है बी, बीपी क्यास में फूल वाला में जैसे कि उसका पैटर्न क्या है वो भी दिखा देंगे हम आपको आई ओ एम का है 2002 ए e का क्वेश्चन है दो हज़ार टू कहने का मतलब हो गया आपका दो हज़ार की लग पास दस साठ की लग पास की है क्वेश्चन आई ई कहने का मतलब इंडियन एम्बेसी का है आप ही का जो यहाँ का एम है वो लेता है एग्जाम उधर जाने के लिए उसका है वेरिएशन में से है चार्ल्स डार्विन टारगस् सर्गेंस वाला इवोल्यूशन चैप्टर का है एम ओ ई का होने का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेपाल का है वो उसका क्वेश्चन है पहले सब जो इंस्टीट्यूट था वो अलग अलग के एग्ज़ाम लिया करता था यूनिवर्सिटी सब लेकिन अब सब एक ही में हो गया है आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा अब एक ही का एग्ज़ाम देना पड़ेगा कॉमन इंट्रांस एग्जाम और उसी में से आपको आएंगे एग्जाम में और एक ही में से सिलेक्शन होगा ये जो बी है आई ओ है एम है और सब एक हो गया है कॉमन इंट्रांस हो गया है यहाँ पर अब सब के क्वेश्चन एक ही जाएगा लेकिन कहने का मतलब कि आप लोग की बोल रहे थे कि पास्ट क्वेश्चन एक बार देखने को मिलता तो बहुत अच्छा होता उसी लिए मैंने आपको दिखा रहे हैं कि पहले कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है अभी तो नया नया लगा है उसके कोई पास्ट क्वेश्चन नहीं है कोई किसी को मालूम नहीं है कैसा क्वेश्चन आएगा सिर्फ सिलेबस दिया है कि जो जो फिजिक्स है उसमें से तीस मार्क और जो केमिस्ट्री है नर्सरी जो फिजिक्स है उसमें से पचास मार्क और जो केमिस्ट्री है उसमें से भी पचास मार्क और बायोलॉजी में से अस्सी मार्क और जो रिमेनिंग बीस मार्क है टू हंड्रेड में वो आपको मेंटल एजिबिलिटी कहकर एजिलिटी कहकर आता है उसमें से पूछा जाएगा जैसे कि कोई कितना काम कर रहा है तो जैसे कि पांच बंदे ने एक काम मिलकर कर रहा है तो चार दिन में कर दे रहा है तो दो बंदे ने कितने दिन में वो काम करेगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंटल एजिबिलिटी में और अल्फाबेट वाला भी रहेगा और सब और सब बहुत वगैरह वगैरह जैसे कि मैथमेटिक्स स्क्वायर कोर्ट्स वाला होता है ना वो सब रहेगा अब हम आपको दिखा दे रहे हैं कि बी पी के आँच का क्वेश्चन की कैसे बी पी के एच का क्वेश्चन पूछा जाता था पहले बी पी के आँच आई जो एक्सप्लोर क्वेश्चन है देखिए यहाँ बी पी के एच आई क्वेश्चन बैंक है तो वो पहले कैसा पूछा जाता था बी पी का वो मैं आपको दिखा दे रहे हैं जैसे कि 2017 के का पैटर्न आप देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे बी पी के एच आई का तो बी पी के एच का क्वेश्चन सर दो हज़ार सत्रह का पैटर्न देखेंगे तो देखिए बी पी के एच है और आपको इस तरह से इंग्लिश जनरल हेल्थ नॉलेज एंड हेल्थ भी पूछा जाता था पहले उसमें लेकिन अब आप, आपको टेंशन नहीं लेना है ये नहीं आएगा आपको सिर्फ आपको देख लीजिए एक बार नॉलेज के लिए लेकिन आने वाला यह नहीं है जनरल नॉलेज और हेल्थ को हटा दिया गया है अब सिलेबस हो गया है फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मेंटल एजिबिलिटी टेस्ट का हो गया है तो आपको इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है यो जो केमिस्ट्री है वो देख सकते हैं आप यहाँ से अब जो केमिस्ट्री शुरू होगा इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको इसमें से क्वेश्चन आ सकता है मेंटल फिजिशन केमिस्ट्री का है धरान का क्वेश्चन आया हुआ धरान जो बीपी के बोलते हैं ना उनके क्वेश्चन है देखिए तो एक बार आप अच्छी तरह से कोई क्वेश्चन बात उतना डिफ़िकल्ट उतना हार्ड भी नहीं पूछा जाता है जैसे कि नीट है इंडिया को उससे बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर जो धरान था उसका क्वेश्चन जो थोड़ा था नीट के कंपेयर में ठीक ठीक बोला जाता था और जो नीट में से एक जो तो पास्ट ईयर क्वेश्चन होता है उसे भी कॉपी कर लिया था कर लिया जाता था कभी कभी लेकिन अब जो है कॉमन ट्रांस लग गया है अब जो है जो निटी की जैसा होगा जैसे नीट में पचास मार्क है जो कि पचास मार्क हाँ पचास मार्क है जो फिजिक्स में से पूछा जाता है और पचास मार्क केमिस्ट्री में से और उसके बाद रिमेनिंग जो नब्बे मार्क का होता है वहाँ पर तो वो आपको शायद बायोलॉजी में से पूछा जाता है एक सौ अस्सी मार्क का तो एक सौ अस्सी क्वेश्चन होता है टोटल टो जैमें से सात से बीस मार्क का नीट होता है नहीं तो उसमें से अब यहाँ पर नेपाल में उसी तरह लगा दिया है जैसे कि फिजिक्स में से पचास मार्क का पूछा जाएगा क्वेश्चन और केमिस्ट्री में से पचास मार्क का पूछा जाएगा और जो है उसके बाद बायोलॉजी है बायोलॉजी में से आपको पूछा जाएगा अस्सी मार्क्स में से और बीस मार्क जो है वो पूछा जाएगा आपको मेंटल एजिबिलिटी मान लो जनरल नॉलेज है जैसा आप बोल सकते हैं आप कि जनरल नॉलेज जैसा ही रहेगा लेकिन फ़र्क कितना रह जाएगा कि जो वो जनरल नॉलेज नहीं थी और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा रटना जैसा नहीं होगा कि आपको जो दिमाग लगाकर एक बार अब उसे अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि क्वेश्चन वास्तव में क्या पूछ रहा है ये बात आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप एक बार देख लीजिए जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है मेरे ख्याल से और आपको कैसा लग रहा है एक बार देखिए कमेंट भी करिएगा आपको जो कोई है वैसा कोई समस्या होगा तो कमेंट कीजिएगा एक बार हमको आपको हम दिखा दे रहे हैं सब क्वेश्चन अच्छी तरह से और सारे क्वेश्चन तो नहीं बैठा सकते यहाँ से वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है ऐसा क्वेश्चन ऐसा पैटर्न नहीं रहेगा आपको मैं बार बार, बार बोल रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ कि अब जो सिलेबस से जो चेंज हो चुका है और सिलेबस सब कैसा हो गया है दूसरे मार्क का क्वेश्चन होगा और कॉमन इंट्रांस होगा अब सबकी अलग अलग एग्जाम नहीं होगा कॉमन इंट्रांस होगा आपको, आपको और कॉमन इंट्रांस में आपको 50 मार्क फिजिक्स होगा 50 मार्क केमिस्ट्री होगा और 80 मार्क को बायोलॉजी होगा और जो रिमेनिंग 20 मार्क है वो मेंटल एजिलिटी टेस्ट कहकर होगा मैथ मैट कर होगा मैथ में आपको सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन होगा और सिंपल सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा थोड़ा और उसके बाद इंग्लिस कुछ भी नहीं आने वाला है जो इंग्लिश दिखा रहा हूँ ये कुछ नहीं आने वाला है लेकिन हाँ फिजिक्स आने वाला है फिजिक्स पचास मार्क के आने वाला है और केमिस्ट्री भी पचास मार्क और बायोलॉजी जो है अस्सी मार्क का आने वाला है और बीस मार्क का जो है मेंटल एजिबिलिटी टेस्ट है मेंटल एजिबिलिटी टेस्ट है बीस मार्क का मेंटल एजिबिलिटी टेस्ट है बीस मार्क का अब ख़त्म होने वाला है अब कोई ज़्यादा नहीं है अब मैं थोड़ा फास्ट में करके कर दिखा दे रहा हूँ आपको थोड़ा वीडियो लंबा हो गया उसके लिए सॉरी और आपको जो यह जो है ना स्क्रीन लेना पड़ेगा तो वीडियो पॉज कर कर आप ले सकते हैं अपने मोबाइल में स्क्रीन शॉट और कभी कभी देख सकते हैं लेकिन हाँ फिजिक्स का क्वेश्चन आने वाला है इसमें कॉमन इंट्रांस में भी और बिना फिजिक्स का तो कोई मेडिकल फील्ड का इंट्रांस एग्जाम ही नहीं होता है आपको मालूम है पचास मार्क का होगा और केमिस्ट्री पचास मार्क का होगा और बायोलॉजी अस्सी मार्क का होगा और उसके बाद बीस मार्क जो बचा वो मेंटल एजिबिलिटी टेस्ट में जाएगा मेंटल मैट में जाएगा मैट और उसके बाद ये हो गया और आपको आंसर भी की भी दिखा दे रहा हूँ कि एक बार आप बनाइएगा तो आंसर की अपना चेक कर लीजिएगा पॉज कर कर वीडियो चलिए दोस्तों इसी के लिए इसी के साथ आज एक बार ये भी देख लीजिए 2016 का जो फिज़िक्स का है वो भी देख लीजिए एक बार कैसे बहुत इजी क्वेश्चन आता है आपके नीट के कंपेयर में यहाँ पर यहाँ पर उतना कोई सरफेस में से क्वेश्चन आता है उतना दिप में नहीं चलिए दोस्तों थैंक यू होप कि आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा और आप कुछ उपयोगी होगा आपके लिए चलिए दोस्तों थैंक यू फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं